इस बीच बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने शारदा घोटाले में टीएमसी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता को समन जारी कर दिया है। जोरा साकू से उम्मीदवार विवेक गुप्ता को सोमवार को ईडी ने पेश होने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि लगातार एक एक कर अलग अलग घोटालों के जिन चुनाव से ठीक पहले बाहर आने लगे हैं, अब ईडी ने शारदा घोटाले में टीएमसी के उम्मीदवार विवेक गुप्ता को समन जारी कर दिया है और उन्हें सोमवार को पेश होने को कहा है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।